अपने जोश और होश को काबू रखने की कोशिश किया करो अभय। क्राइम और क्रिमिनल्स को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं है। मेरा ही तरीका सही है। ओफो, मेहमान सामने है और आप लोग अपने बहस में। माँ, शुरुआत पापा ने की है। बस इनको तो बहाना ही चाहिए। देखा 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 कैसे माँ बेटा एक हो गए। क्या पापा, मैं तो आपका साथ देती हूँ ना। चलो तू भी तब साथ देती है जब कोई काम निकलवाना हो। अब संजना आ गई, ये मेरा साथ देगी। क्यों जी? क्या देखा भैया, ये आई है अमेरिका से और है एकदम अमेरिका की तरह, दोस्ती किसी और से और साथ किसी और का। वैसे तुमने अपने लिए हथकड़ी बहुत अच्छी चुनी है, अनाउंस करवा दूं? नो पापा, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मिनट एक मिनट। अरे संजना, यू लेट ना। अरे तेरे का अपॉइंटमेंट थी ना। कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। अरे बाय बाय। तुम एक ऐसा बुत हो जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल के रखते। मुगले आजम, नाइस बट लिटिल आउटडेटेड। पुराना है अब है। यू जस्ट हैव टू ट्राई अगेन। संजना, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ओके? तो मुझे किसी को अरेस्ट करने को कहो, कहीं रेड करने को कहो, लेकिन यू नो ये तारीफ करने को कहोगी ना, आई हैव नेवर। अब है, तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी, नहीं तो आज का प्रोग्राम कैंसिल। अरे पुलिस वाले को धमकी देती हो? हाँ दे रही हूँ तो। अरे रिलैक्स ना, वन मोर ट्राई। ओके ओके। आंखें देखी है? क्यों? जिधर भी देखती है एक रिश्ता कायम कर देती है। कभी कभी अमिताभ बच्चन। अब और ट्राई करने को मत कहना, ओके? मुझे सिर्फ दो लाइन याद थी। नहीं नहीं बहुत अच्छी लाइन है ये। एक ही लाइन में कितनी सारी बातें कह दी हैं। क्या कभी तुमने अपनी आंखें देखी है जिस तरफ देखती है एक रिश्ता कायम कर देती है। ये फोन सुना, जब भी बजता है ये मुटकी। एक मिनट। हेलो साहब, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ साहब। वर्सोवा विलेज के पास एक टेररिस्ट छुपा है। क्या? पुराने वाले बंगले के पास तीसरी गली में साहब। इंफॉर्मेशन करेक्ट है? 100% पक्की है। वर्सोवा विलेज। हाँ साहब। ओके मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ अब है? किसका फोन था? मेरे मुखबिर का फोन था। वर्सोवा विलेज में एक टेररिस्ट छुपा है, इससे पहले कि वहाँ से निकल जाए मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम? हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग टेररिस्ट कैसे पकड़ते हो। संजना ये कोई देखने वाली चीज थोड़ी ना है, इट्स अ वेरी रिस्की ऑपरेशन। तो क्या हुआ, मैं डरने वाली लड़की थोड़ी हूँ? अगर तुम रिस्क ले सकती हो तो क्या मैं नहीं ले सकती? संजना देखो जिद मत करो। नहीं मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। प्लीज लेट मी गो। नहीं आई एम कमिंग, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन। ठीक है। Thank you.
अब है? I'll talk to the doctor. माँ, संजना ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटे, संजना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमिश्नर साहब आप? How's the girl? She'll be all right. जख्म ज्यादा गहरा नहीं और मैंने गोली निकाल दी है। She'll be okay within few hours. Thank God, thank you doctor. It's our duty sir. साहिबजादे, अब तो मुस्कुरा दो। पापा, she'll be fine, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा चलें? नहीं, मैं तो अभय के साथ रहूंगी। सुषमा, तुम्हारा अभय के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है अभय का संजना के साथ रहना। अपने दिन भूल गई क्या? आप ही ना, कुछ भी बोल देते। अभय, अपना ख्याल रखना और संजना का भी ख्याल रखना। और भूलना मत कि दवाई टाइम पे और जूस ले आना और नारियल भी पिला देना और कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो हमें फोन कर देना। चलें? चलिए ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। ऑफिसर, वेल डन। थैंक यू सर। द डिपार्टमेंट इज वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। सर ये 6.5 M130 GR राउंड नोज जैकेटेड बुलेट रशियन मेड पिस्टल की है। आजकल इस तरह की पिस्टल का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग कर रहे हैं। इट्स एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट बुलेट सर। और दूसरा सर, ये बुलेट रिवॉल्व होती चली जाती है। आप लकी हैं कि ये बुलेट किसी चीज से टकराने के बाद संजना को लगी, अदरवाइज। सॉरी, मैंने तुम्हें लाने में देर कर दी, लेकिन आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो संजना, आज पहली बार मुझे डर लगा है, तुम्हें खो देने का डर, तुम्हारे बिना जीने का डर। आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू संजना। मिस्टर राणा, वी आर वेरी सॉरी कि आपके यहां से चोरी हो गई। सॉरी मत कहिए कमिश्नर साहब, सोचिए सोचिए कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने तो सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस शहर में कोई सुरक्षित नहीं। अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद महेंद्र सिंह राणा के घर में चोरी हो सकती है तो आम लोग उनके साथ क्या नहीं हो सकता। फिर भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि यह हाल सिर्फ मुंबई का नहीं सारे देश का है। अगर आतंकवादी संसद में घुस सकते हैं तो मेरा घर कौन बचा सकता है। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं कि आप चोर को ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर आपको चोरी का सामान मिल गया तो जैसे आप लोग करते हैं आपस में बांट लीजिएगा। एसीपी अभय प्रताप सिंह। यस सर। 24 घंटे के अंदर चोर पकड़ा जाना चाहिए और राणा साहब की एक एक चीज इनको वापस मिल जानी चाहिए। अब आप अपनी नाक बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका क्राइम के बाद क्रिमिनल्स को खोजने का सिस्टम ही गलत है। कोई तरकीब निकालिए जिससे चोरी होने से पहले आप चोरों को पकड़ सकें। पुलिस स्टेशन में वांटेड के बजाय सस्पेक्टेड की तस्वीरें लगी होनी चाहिए। खैर, देखते हैं। गुड लक। Thank you.
साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे मेरी गलती होगी साहब। साहब वो भंगार वाली बिल्डिंग में हो सकता है साहब, कसम से नहीं जानता साहब, नहीं जानता मैं।